नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहे स्पेन ने अब यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी है कि उसके किसानों की मदद की जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट की यहाँ पर बात की गई। जानते हैं इस पूरे इशू के बारे में, साथ में इसका क्या प्रभाव पड़ा है उनके बारे में भी जानेंगे आज के सेशन में। तो स्पेन ने मदद मांगी है यूरोपियन कमीशन से कि वो उसके जो किसान हैं उनको मदद करे, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे जब वो जूझ रहे हैं इस हिस्टोरिक ड्रॉट से, इस हिस्टोरिक सूखे से। स्पेनिश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है इमरजेंसी फंड्स के लिए फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन टू हेल्प दी फार्मर्स हियर। इस न्यूज के बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, ये एक नॉमिनल प्राइस पर जो आपको बैच मिल रहा है यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का, ये अवेल आप कर सकते हैं केवल 30 अप्रैल तक। 1 मई से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि अपनी तैयारी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते नहीं कर पा रहे थे, दिस इज योर चांस। 1 जून से हम बैचेस शुरू कर देंगे, तो 1 जून का वेट मत कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए एट दिस नॉमिनल प्राइस, क्योंकि 1 मई से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और ये बैच जो होगा, यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी जिसमें 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी होगी, टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा भी कंडक्ट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, लिंक गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसी के साथ समुद्र मंथन में भी आप एनरोल कर सकते हैं जो कि होने वाला है 13 मई को। दो फायदे हैं दोस्तों इसके, एक आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एग्जाम बिफोर द एग्जाम, बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर ये होगा। साथ में आप यहाँ बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, प्राइजेस वर्थ ₹1 लाख कैन बी वन इन दिस टेस्ट। एनरोल करने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाकर एनरोल। नाउ, स्पेन के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने लिखा है यूरोपियन कमीशन को फॉर एग्रीकल्चर की, और उनको रिक्वेस्ट की है, उनको प्लीड किया है कि वो देश के जो किसान हैं, 8,90,000 जो फार्म वर्कर्स हैं उनको मदद पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है और इसको एक रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का एक क्राइसिस रिजर्व होता है जो कि इसी पर्पस के लिए होता है। इट इज बेसिकली टू रिस्पॉन्ड टू पॉसिबल डिसरप्शंस इन ब्लॉक्स एग्रीकल्चरल मार्केट। जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी एग्रीकल्चर संबंधित, तो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये फंड यहाँ पे क्राइसिस रिजर्व बनाया गया है, जिसमें €450 मिलियन दिए गए हैं, रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पेन ऑलरेडी 64.5 मिलियन यूरोज ले चुका है, इसको मिल चुके हैं लास्ट ईयर ही फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी क्राइसिस रिजर्व है उससे। क्या करने के लिए, अभी तो ये सूखा से की स्थिति है, पिछले साल जो फंड आया है लगभग 65 मिलियन यूरोज का, वो आया था टू कोप विद द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, उसकी वजह से पूरे के पूरे एरिया में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, जिसको कोप करने के लिए ये वाला फंड ने लास्ट ईयर भी लिया था। बट इसके अलावा जो 5 सालों से, 5 कंसेक्यूटिव सालों से ड्रॉट की जो स्थिति है इन सम रीजन्स ऑफ स्पेन, उसने इस डिफिकल्ट सिचुएशन को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है फॉर द फार्मर्स इन स्पेन। यहाँ अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो 27% जो स्पेन है वो एक्सपीरियंस कर रहा है ड्रॉट, जिसको क्लासिफाई किया गया है इमरजेंसी और अलर्ट अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्ट्री। यहाँ पर वाटर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 50% कैपेसिटी पर चले गए हैं नेशनली, मतलब पानी 50% लेवल पर चला गया है। 27%, 1/4 से ज्यादा स्पेन ड्रॉट, भयानक ड्रॉट को झेल रहा है। जो लैक ऑफ वाटर है, पानी की जो कमी है, उसने बहुत सारे किसानों को स्प्रिंग प्लांटिंग को फॉरगो करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें सीरियल्स और ऑयल सीड्स की प्लांटिंग स्पेशली इंक्लूडेड है। स्पेन का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है, दैट इज एंडालूजिया, ये वाला जो रीजन है ये सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है अभी। यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, ग्वाडल क्विवीर रिवर बेसन जो है, दिस इफ यू कैन सी दिस रिवर हियर, अगर आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये अपनी 24.8% कैपेसिटी पर चली गई है, सिर्फ इतना ही इसमें पानी बचा है। इतनी खराब स्थिति है जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र के जो किसान हैं वो, उनको मजबूरन जो अपना वाटर अलाउंस है इरिगेशन का, उसको कट करना पड़ गया है 90% तक भी, कुछ केसेस में पानी ही नहीं अवेलेबल है, इतनी समय स्थिति खराब है। इसी के अलावा आपको बता दूं कि कोक, जो कि एक मेन फार्मर्स यूनियन है, उसने बताया कि 60% जो स्पैनिश फार्मलैंड है वो फिलहाल सफोकेटेड है, वो
उसका दम घुट रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल, जिसकी वजह से एक बहुत भयानक या इरिवर्सिबल डैमेज कर दिया गया है, ऐसे हो गया है टू 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ सीरियल्स इन स्पेन। मैड्रिड विच इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, उसने अनाउंस किया है राहत थोड़ा सा, जैसे टैक्स ब्रेक दे दिए हैं, टैक्स ब्रेक कर दिए गए हैं, दे दिया गया है स्पेनिश फार्मर्स को, जहां पर 25% तक उनको इनकम टैक्स में रिडक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट करेगा इन 8 लाख जो फार्मर्स हैं उनको। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो स्थिति है वो अभी सही नहीं होने वाली है स्पेन के लिए, क्योंकि स्पेन की जो स्टेट वेदर एजेंसी है उसने प्रिडिक्ट किया है कि टेम्परेचर्स अभी और बढ़ेंगे इस पूरे एरिया में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। यहाँ अगर स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑलिव ऑयल का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल्स का इन दी वर्ल्ड। इस ड्रॉट की वजह से ऑलरेडी जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है उसके प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गए हैं, चढ़ चुके हैं, तो स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यूरोपियन यूनियन मदद करेगा, उसके बाद शायद थोड़ी राहत यहाँ मिल सकती है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी द रिस्पॉन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर द सेम। दोस्तों, पाथफाइंडर के बैचेस के बारे में आपको बता रही थी, बहुत नॉमिनल प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है, 1 मई से हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 1 जून से बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे। प्लीज 1 जून तक का वेट मत कीजिए, ये प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा 1 मई के बाद, तो दिस इज योर टाइम, गो एनरोल नाउ फॉर दी बैचेस, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी मिलने वाली है। समुद्र मंथन के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, 13 मई को होगा, और जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ 1 लाख हियर। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।